मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो अभी टाइम हो रहा है पूरे 10 बजे का और हम लोगों ने ये रूम खाली कर दिया है। ये मतलब खाली कर दिया। अब ये बाहर ले जा रहे हैं। ये वाला रूम ना हॉस्टल की तरह है, इधर दादी सोती हैं, इधर है और इधर एक और है। और ये वाला जो है ना, ये मम्मी के दहेज का है। हेलो कर दो, गुड मॉर्निंग। तो अभी पसीने निकल रहे हैं सबके बहुत ज़्यादा। आज मौसम जो है वो ना धूप लगी है और बादल है, और ऐसे में आपको पता है गर्मी होती है। इस तरफ को ना घास है, मैं बाहर जाके आपको व्यू दिखाती हूँ। इस तरफ को घास है इतना सारा, और इससे ना इतनी गर्मी, जब ये गर्म हो जाता है बहुत गर्मी लगती है। तो अभी इनको खाली कर रहे हैं, वो पेंटर लोग जो हैं वो भी आ गए हैं। लोकल ही हैं वो लोग भी, गाँव से ही है। तो साथ वाले रूम में स्काटन में हो रहा है, बस वहाँ से वो फ्री हो जाए वहाँ पोचा लगा के ये वाला रूम जो है वहाँ को शिफ्ट कर रहे हैं। ये वाला रूम बनेगा भाई का, तो मम्मी पापा का रूम जो है वो दूसरे वाला हो जाएगा। और मैं आपको मिलाती हूँ अपने दादू से। ये रहे मेरे दादू, आज़ादी से पहले के हैं मेरे दादू। दादू बोलते हैं हम लोगों ने मतलब देखा है आज़ादी से पहले ना, जो अंग्रेज़ जब शिमला में थे तब दादू शिमला में रहते थे। तो कहते हैं जो इंडियंस थे ना, उनको जूते लगा के नहीं चलने, नंगे पैर चलते थे इंडियंस उस टाइम पे, इतनी तानाशाही थी अंग्रेजों की। तो चलिए फटाफट से करते हैं अब ये बाहर बेड वगैरह। क्या बोल रहे आप मुझे? आज है जन्माष्टमी। सबसे पहले आप सभी व्यूवर्स को, सभी सब्सक्राइबर्स को और जो भी मुझे देख रहा है सभी को हैप्पी जन्माष्टमी, जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे यहाँ जो जन्माष्टमी है वो बहुत ज़्यादा नहीं मनाते हैं, मतलब यही है धूपबत्ती कर लेते हैं और व्रत रखते हैं, और वही व्रत में फ्रूट्स खा लेते हैं, और रात को 12 बजे मामी जब जन्म होता है उस टाइम पर, उसके बाद खाना खाते हैं, कुछ ऐसा होता है। हमारे घर में व्रत वगैरह बहुत कम होते हैं, इनफैक्ट पहाड़ों में व्रत वगैरह बहुत, हमारी तरफ को जहाँ मैं रहती हूँ इधर को, मेरे सराउंडिंग एरिया में कम ही होते हैं। बस यही श्रद्धा से व्रत वगैरह कर लेते हैं और उसके बाद पूजा कर लेते हैं। तो इतनी नहीं मनाते जैसे सिटीज़ में, प्लेन्स में मनाते ना, उस तरीके से नहीं मनाते हैं। तो चलिए अभी ये खाली कर रहे हैं, ये मैं कर देती हूँ, निकाल के सामान यहाँ डाल रहे हैं, और इसी में इंसान परेशान हो जाता है। दादू जी को भी ले आई मैं, कहाँ रखूँ, उधर से सामान निकाल कर इधर रख रहे हैं। और अब मतलब आज हो जाएगा फाइनल ना, आज सारे रूम हो जाएंगे, बाथरूम रह जाएगा, तो आज रूम इनके ठीक हो जाएंगे। देखती हूँ, अभी मेरा कोई पता नहीं है, क्योंकि हम लोगों का ना कहीं जाने का प्लान बन रहा था, कहीं काम से जाना है, तो उस वजह से मुझे आज जाना पड़ेगा। अगर वहाँ नहीं जाना पड़ा तो फिर आज मैं नहीं जाऊँगी, आज मैं इनकी इधर हेल्प कर लूँगी। और रात को हम लोग सोए हैं 2:30 बजे रात को सोए हैं, मतलब 12 बजे 12:30 तक तो काम करते रहे, पहले यहाँ बैठे थे, उसके बाद नहाए धोए, और उसके बाद फिर बच्चों को सुलाने के बाद फिर बैठे रहे। पहले मम्मी, मैं और सिस्टर बैठे थे, फिर मैं और सिस्टर बैठे थे, मम्मी ने डांट डांट के सुलाया फिर 2 बजे की, सो जाओ, नींद ही नहीं आ रही थी। मैं आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ। ये क्या बन रहा है? अच्छा, मतलब आज खाना आप दोनों बनाओगे? ठीक है।
तो सिस्टर को आपने देख लिया, इसकी ड्यूटी लगी है किचन में। और जब भी घर में कोई काम होता है ना, इसकी ड्यूटी जो है वो किचन में ही लगती है और दोनों बच्चों को देख रेख में लगी है। तो बस हम लोग यहाँ अपना काम करना चालू हो गया है। तो देखिए, रूम मैंने पहले साफ़ कर दिया, शेल्फ़ें वगैरह जो मतलब बिखरा हुआ सामान था वो सारा समेट कर एक जगह रख दिया है। और उसके बाद जो बेड बॉक्स थे वहाँ पर, तीन दो बेड बॉक्स थे, मतलब एक सिंगल था और दो डबल थे, तो उसमें से सामान निकाल कर बाहर डाल रहे हैं धूप में। और वो जो मम्मी के दहेज वाला बेड है ना, जो मैंने आपको दिखाया था, उसको निकाल दिया है सबसे पहले बाहर। और उस पर ये जो दीवान से कपड़े निकल रहे हैं, बेड बॉक्स से कपड़े निकल रहे हैं, ये बिछा रहे हैं, क्योंकि सीलन सी हो जाती है। देखिए, काफ़ी टाइम से कपड़े रखे रहते हैं। वैसे मम्मी धूप दिखा देते हैं साल में एक बार, पर अभी कुछ टाइम ही ऐसा चल रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा बिजी है मम्मी, तो ये सब कामों को टाइम ही नहीं लग रहा था। तो मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं, बाहर रख देते हैं थोड़ी देर धूप में, ठीक ही है। बहुत ज़्यादा तेज़ धूप नहीं थी, अभी थोड़ी सी लग गई थी, वैसे बादल बादल है आज। तो बस वही हम सब यहाँ कपड़े निकाल कर बाहर रख रहे हैं और यहाँ लगेगी थोड़ी देर धूप, तो मैंने कहा चलिए उसके बाद इन्हें अंदर कर देंगे। तो सिस्टर जो है यहाँ दोपहर के खाने की तैयारी कर रही है, ब्रेकफास्ट वगैरह हमारा हो चुका है। और ये वाला रूम है, इसमें ये जो नीचे पट्टी लगी है ना ब्राउन कलर की, इस पर अभी अभी पेंट हुआ है। तो यहाँ से पहले एक बार झाड़ू लगा दिया था, जो मोटा मोटा कूड़ा था वो उठा दिया था सारा। और उसके बाद देखिए, यहाँ पर मैं इस ब्रश की हेल्प से हल्के हाथों से वो जो पाउडर सा रहता है ना, उसे बाहर निकाल दूंगी। और उसके बाद जो है फिर मैं यहाँ पर लगाऊंगी पोचा। तो बस हल्के हाथों से मैंने कर दिया था, क्योंकि खिड़की दरवाज़ों में भी यहाँ पर पेंट हुआ है और उन्होंने अभी मना की थी कि धूल वगैरह नहीं करना या पानी से साफ़ नहीं करना। तो अब लगाऊंगी यहाँ मैं पोचा। ये जो पेंटर है, इन्होंने हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर दी थी। तो देखिए, बेड मतलब जो हमने बेड बॉक्स खाली किए थे वो इन्होंने निकालने में हेल्प कर दी थी, क्योंकि जेंट्स घर में होना बहुत ज़रूरी है ऐसे कामों के लिए। तो पापा तो है नहीं, भाभी भी ड्यूटी पर है, मतलब सब लोग बिजी थे, तो इन्होंने बहुत हेल्प कर दी थी और थोड़ी बहुत फिर हम लोगों ने भी कर दी थी। तो बस इन्हें आराम आराम से अंदर ले जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पेंट हुआ है। तो देखिए, ये वाला रूम अभी खाली किया और यहाँ पर भी सारा खुरच दिया है, क्योंकि जो पीछे वाली साइड है ना, यहाँ पर सीलन आती है, पपड़ी जम जाती है। तो बस यहाँ पर अब आज इनका जो है वो लास्ट डे है यहाँ पर। ये सब कुछ पहले आपको पता है खुरच देंगे, फिर फिलिंग करेंगे, उसके बाद पेंट करेंगे। और पेंट मतलब दो कोड नहीं लग रहे हैं, मम्मी का पेंट जो है वो बिल्कुल साफ ही है, तो एक ही पेंट मतलब एक ही कोड यहाँ पर लगेगा। तो बस आज यहाँ से भी ये हो जाएंगे फ्री। तो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ एप्पल, तो ये देख लीजिए, ये है मेरी मम्मी के पापा के खेत के एप्पल, और बहुत ज़्यादा इस बार नहीं थे, थोड़े से ही है। तो ये अभी बच्चों को यहाँ कट करके दे रहे हैं, क्योंकि बच्चों को ना भूख लगती रहती है बार बार। तो बस यहाँ पर बैठ गए हैं सब लोग हॉल में, मैंने कहा थोड़ी देर रेस्ट भी हो जाएगा और उसके बाद फिर लग जाएंगे काम पे। तो हम लोग ना बहुत ज़्यादा थक गए, प्लेट नहीं एक एक उठा, और आज इसका है व्रत। फिर कैसा लग रहा है जी? बढ़िया, मज़ा आ रहा है। आज इसकी ड्यूटी किचन में ही है, वैसे इसकी किचन में ही लगती है, बेस्ट कुक है ये। तो एप्पल खा लीजिए, ये मम्मी अपने खेत के, अपने खेत के ये ना, अपने खेत के एप्पल है, एक लिफाफा था ना इस बार। तो बस ये वाला एक लिफाफा, ये जो रखा है ना दरवाजे के पास, 10 किलो का एक लिफाफा यही भरकर सेब हुए हैं, बाकी सेब ही नहीं थे। इवन 35-40 पेटियां हो जाती है ना, 45-40 पेटी। अभी ना हम लोग खेत जाएंगे, खेत में वो जो खेतों में निंदाई करने के लिए लेडीज़ लोग हैं, उनको खाना लेकर जाना पड़ता है, यहाँ पर ना खाना लेकर जाना पड़ता है, खाना खाते हैं। पर आज मम्मी के वो ठेकेदार लोग नहीं आए, ये मिस्त्री लोग नहीं आए हैं, पेंटर आए हैं और खेत वाले ही आए हैं। तो अभी इनको भी नहीं नहलाया, बेचारे इधर से उधर भगाते हैं इनको, उधर से इधर भगा देते हैं। एप्पल दे रही है लावण्या, दिवेन भी देगा, तो इनको इधर उधर भगाते रहते हैं। तो अभी इनको भूख लग रही थी छोटी छोटी, तो सिस्टर का भी फास्ट है, तो मैंने कहा चलो एप्पल काट कर खा लो। अब जाएंगे हम खेत, और इस रूम में ना कबाड़ खाना हो गया है पूरा। और अब हम ले जाएंगे ये सामान।
तो ये वाला जो बेड बॉक्स वगैरह से निकाले हैं ये कपड़े, अब हम उसमें डालेंगे। बेड बॉक्स लगा दिए हैं दूसरे रूम में, बस थोड़ा सा सीलन वगैरह रहती है ना, सूखने दे रहे हैं फैन लगाकर, उसके बाद ये डालेंगे। तो पहले जाएंगे हम खेत और उसके बाद शाम को जाऊंगी मैं अपने घर, और थक गई बहुत ज़्यादा आज। तो यहाँ मिली है हमें बाल विवाह की एल्बम। ऐसे लगती है ना ये, जैसे बाल विवाह छोटे बच्चे की शादी कर दी होगी। कितनी साल की थी तू तब? 23 की थी, ये लगती नहीं है। तो ये है पूजनीय जीजा जी। तो मैंने कहा चलिए मेरे को देखिए, मैं आपको थोड़ी थोड़ी दिखाती हूँ। तो ये यही लोग हैं, मैं भी हूँ इसमें। कितना भाई ये क्वेश्चन था? ये देखो मम्मी, ये देखो पापा, और ये बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। ये मेरे चाचू हैं, चाचू और चाची जी, और ये सारे दादी के मायके वाले, पापा के मामा हैं। हाँ हाँ, हट जाओ हट जाओ, हम थोड़ी थोड़ी दिखाएंगे। तो ये कज़न्स है सारी, और ये मामा आ रहे हैं, मामा स्वागत हो रहे हैं। तो ये भी कज़न है, ये भी कज़न है, ये भी कज़न है, ये मासी हैं। तो ये है भाई, और ये है मामू, ये भी मामू हैं, मामी हैं, और ये आ रहे हैं बुआ, बुआ जी हैं ये मेरे, और ये मेरी ननद है, और यहाँ पर है हम लोग। ये देखिए, दिख नहीं रहा क्लियर अच्छे से, पकड़ ये पकड़ एल्बम। ये देखिए सूजल, तब ना इतना छोटा सा था सूजल। मैं हूँ, हस्बैंड है, ससुर जी, सासू माँ, चाची, सब लोग हैं यहाँ पर। ये सूजल है, 6 साल का है। तो ये है सूजल, और ये हूँ मैं और मम्मी, और ये सारे नाटी कर रहे हैं। और यहाँ पर दोनों हम लोग रोते हुए। तो क्यों रो रही थी सोनू? क्यों रो रहे थे आप बताइए? अपने मम्मा पापा से दूर जो जा रहे थे। सच्ची? किसने बताया आपको? अभी तो रहे थे मैंने। और ये है नानी जी, और ये मम्मी पापा, बुड्ढी नानी, और यहाँ पर आए हैं दूल्हे राजा, और ये ले जा रहे हैं सिस्टर को जयमाला के लिए। और ये देखिए अच्छा, बेटी लगन की है, और मेरा चेहरा जो है बिल्कुल मुरझाया हुआ था, क्योंकि घर की शादी में होता ही है। और ये देखिए हस्बैंड, और अभी ये मास्टर सूजल, सूजल तब छोटा सा था, और देखिए कितना प्यारा था ना, मोटू मोटू सा, अब बहुत पतला हो गया हुआ है। तो बस यही थी सारी एल्बम। और उसके बाद चले गए थे हम लोग फिर खेत, खेत में खाना देकर आए, और उसके बाद आई मैं, फिर नहा ली हूँ, और अभी जो है हस्बैंड आ चुके हैं मुझे लेने, क्योंकि हम लोगों का कहीं ज़रूरी जाना है, तो नहीं तो यहीं रहते हम लोग भी। तो बस यहाँ मैंने फटाफट ना मम्मी के पास सारा सामान अंदर कर दिया था, ताकि मम्मी बाद में अकेले ना पड़ जाए, क्योंकि सिस्टर का तो व्रत है, और व्रत में वैसे भी काम नहीं होता, और उसकी ड्यूटी फिर किचन में है, किचन में भी बहुत ज़्यादा काम रहता है, इतने इतने लोगों के लिए खाना बनाना, बहुत सारे काम होते हैं, बर्तन। तो मुझे लगा चलिए मम्मी की हेल्प कर देती हूँ, और काफ़ी आराम हो जाता है। तो बस हस्बैंड यहाँ पर हेल्प कर रहे हैं गद्दे वगैरह निकालने में, ये बहुत ही ज़्यादा भारी है। तो हमने कहा चलिए मम्मी के पास ये बेड पूरा ठीक करके दे देते हैं, और बाकी मैं सारा सामान यहीं रख दिया था, ताकि मम्मी आराम आराम से फिर बैठ कर करते रहे। ये मंदिर वाला सामान है सारा निकाला मम्मी, है ना, फिर ना ढूंढना ये वाला, ये वाला, ये इस कट्टे में, इस कट्टे में शेल्फ का सामान है, और इसमें मंदिर का सामान है, और ये बैग वो उसके पीछे था, ठीक है, बाकी कुछ नहीं है ना। बाकी ये वाले, ये ले आऊं परे, ये वाले दादी वाले, हो गया ना मम्मी, अब कर लेंगे, ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। मैं हो गई हूँ रेडी, नहा ली, और यहाँ पर जो है वो पूरा काम ऑलमोस्ट हो गया है, मतलब ख़त्म तो कभी नहीं होगा। जाऊँ मैं अब? जा राम से, अब भाग जा, आऊँगी मैं 1-2 दिन में। मुझे ना मतलब हमें कहीं बहुत ज़रूरी काम से जाना है, तो इसी वजह से हमें आज ही निकलना पड़ेगा, नहीं तो मैं यहाँ 1-2 दिन और रुक जाती। वैसे यहाँ पर मम्मी का पूरा लगा दिया है हमने, ये भी कर दिया है सामान मैंने यहाँ रख के रख दिया है लाकर, और मम्मी ये इसमें लगा देंगे, और उसके बाद आज फिर पापा भी आ रहे हैं, थोड़ी बहुत हेल्प पापा से भी हो जाएगी। तो ठीक है मम्मी, फिर है ना,
और कैचर वगैरह कुछ नहीं है जब आई थी ना। लावण्या शरारत नहीं करनी। दिवेन बाय बाय बेटे। वीडियो बना रही है। चल ठीक है बाय। ठीक है शरारत नहीं करनी है ना। तो हम लोग अब निकल रहे हैं और मम्मी बोल रहे थे कि रुक जाते पर हमें काम था इस वजह से निकलना ही पड़ा। और लावण्या को मैंने यहीं पर रखा है। लावण्या को नहीं मैं लेकर जा रही हूँ क्योंकि लावण्या दिवेन के साथ अच्छे से खेलती है। और ये रहे हस्बैंड मुस्कुराते हुए हेलो कर रहे हैं। तो बस यहाँ से हम लोग निकल गए। मम्मी को बोल रही थी कि ज़्यादा मत किसी झंझट में फंसना, दो चार दिन के बाद मैं फिर आ जाऊँगी, देखेंगे अगर दोनों को टाइम लगा दोनों आ जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैल चुका है यहाँ पर सारा और दिक्कत हो जाती है फिर इस तरीके से। और व्यू देखिए आप कितना प्यारा है। तो बस हम लोग यहाँ निकल गए हैं और गाड़ी जो है वो आज यहीं लगाई थी नीचे वाले रास्ते में, घर तक नहीं आई क्योंकि वो वाला रोड जो है बरसातों में ख़राब हो जाता है तो उसे ठीक कर रहे हैं। और दादी जी निकल गई हैं घूमने के लिए तो ये हमारा यहाँ वेट कर रही हैं। तो बोल रही थी कब आओगे, आराम से जाना, आपको पता है बुज़ुर्ग लोग कैसे होते हैं। तो यहीं तक का था ये वीडियो, यहीं तक मैंने आपके साथ शेयर किया है, आगे का मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और होम टूर का सब लोगों ने कहा है तो जब कंप्लीट हो जाएगा मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अभी आप लोगों को कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो अब हम यहाँ से निकल गए हैं, घर पहुँच जाएंगे क्योंकि सूजल भी बार बार फ़ोन कर रहा है, वेट कर रहा है। तो चलिए फिर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।